हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। हमारी एनसीईआरटी साइंस की जो सीरीज चल रही है उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक और वीडियो लाए हैं। आज हमें डिस्कस करना है क्लास 11 का चैप्टर 4 एंड 5, ठीक है? क्योंकि 11 12th जो क्लासेस हैं उसमें जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलग अलग बुक्स हैं, तभी हम लोग जो है तभी मैंने यहाँ पर डाल दिया बायोलॉजी, ठीक है? और इससे पहले बायोलॉजी का चैप्टर 2 और 3 पहले ही हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं 11th का, ठीक है? और इसके अलावा जो क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के साइंस की जो बुक है वो एक ही बुक होती है, उसके सारे जो वीडियोस है पब्लिश हो चुके हैं, उनको जाकर आप देख सकते हैं और वो बहुत आपकी मदद कर सकते हैं एग्जाम को क्लियर करने के लिए। क्योंकि देख लीजिए कि कोई भी एग्जाम हो उसका भाग साइंस होता ही होता है, अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं किसी भी एग्जाम में। आप यूपीएससी सीडीएस ले लीजिए और यूपीपीसीएस ले लीजिए और सीजीएल और एसएससी UPSSSC, सब में जो है साइंस आती आती है और अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो काफी हेल्प कर सकती है ये सीरीज आपको। अगर आप सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो प्रॉपरली वीडियोस को देखें, क्रम से देखें और बहुत मदद कर सकती हैं ये वीडियोस आपकी साइंस की अंडरस्टैंडिंग को लेकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे चैप्टर पे आते हैं, क्लास 11 का चैप्टर 4 एंड 5, ठीक है? बायोलॉजी का इन जो चैप्टर है उसका नाम है, जो थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर उसका नाम है एनिमल किंगडम प्राणी जगत। इससे पहले हम पादप जगत को डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियोस में, और मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और उसका जो 5वां चैप्टर उसका नाम है पुष्पी पादपों की आकारिकी। अब आकारिकी मतलब रूट को पढ़ेंगे, स्टेम को पढ़ेंगे, लीव्स को पढ़ेंगे, ये जो बाहरी स्ट्रक्चर आपको देखते हैं प्लांट्स में, ठीक है? आकारिकी उसको बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर बोलते हैं, ठीक है? और जिस ब्रांच में ये आता है, जिस साइंस में आता है, उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है? तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को हम पढ़ेंगे, पुष्पी पादपों की आकारिकी। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसमें आपको उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पेड कोर्सेज मिलेंगे, जिसमें प्री और मेंस दोनों का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जो ये 85 वाला नंबर है इस पर आप व्हाट्सएप और फोन कॉल के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और जो ये 78 वाला नंबर है इस पे आप टेलीग्राम के थ्रू टेक्स्ट करके कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एक टेलीग्राम चैनल है, बिल्कुल फ्री है। अगर आपके फोन में एक टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं है तो जाकर इंस्टॉल करिए और वहां पर सर्च करिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, और फिर ये ग्रीन आइकन दिखेगा, फिर इसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल और वीडियो की नोटिफिकेशन शेयर कर दिए जाते हैं, ठीक है? और अगर इन कोर्सेज में आप इंटरेस्टेड हैं, अगर किसी आप दूरस्थ इलाके में रह रहे हैं, डिस्टिंक्ट एरिया में, और या फिर किसी सर्विस में हैं अब, या आप क्लास अटेंड नहीं करना चाहते, तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपकी काफी मदद कर सकते हैं एग्जाम को क्लियर करने के लिए, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमें जो पहला चैप्टर है उसको डिस्कस करना है, जंतुओं का वर्गीकरण। उसमें हमें प्राणी एनिमल किंगडम को पढ़ना है, जो हमारा एनिमल किंगडम है या कहें जंतुओं का वर्गीकरण। अब उसमें हम पढ़ेंगे जंतुओं में कौन कौन रखे गए हैं, ठीक है? कितने संघ हैं, कितने संघों में डिवाइड किया गया है जगत को, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे वर्गीकरण का आधार क्या है, तो प्राणियों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो देखिए इसमें आधार है जो शरीर की सम्मिति होती है। सम्मिति क्या होती है, सिमेट्री बोलते हैं। देखिए सिमेट्री मतलब आप काटिए शरीर को, ठीक है? अगर दो इक्वल भागों में कट रहा है और तो ठीक है, मतलब किसी भी अगर एंगल से आप काट रहे हैं, दो इक्वल भागों में कट रहा है तो उसको रेडियल सिमेट्री बोलेंगे। लेकिन अगर एक ही प्लेन से काटने में दो भागों में कट रहा है तो उसको आप बाइलेटरल सिमेट्री बोलेंगे। जैसे हमारी है, हमारी बॉडी की बाइलेटरल सिमेट्री है, ठीक है? तो अगर हम 20 से काटें तो हमारा एक पार्ट बिल्कुल सेम होगा और दूसरा पार्ट भी बिल्कुल उसकी तरह आइडेंटिकल होगा, ठीक है? और ऐसे ही देख लीजिए कॉकरोच में होता है, ठीक है? तो इस प्रकार से ये जो सिमेट्री होती है इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व सममिति। तो उसके आधार, वो भी आधार है, और कोशिका की व्यवस्था भी एक आधार है कि कोशिका एक कोशिकीय जंतु है कि बहुकोशिकीय जंतु है, या फिर आपका उसमें जो कोशिका की कितनी लेयर है, या फिर कोशिका के ऊतक बना रही है, ऊतक स्तर का संगठन है या फिर अंग स्तर का संगठन है, इसके आधार पर भी कोशिका व्यवस्था भी है, ठीक है? और फिर प्रगुहा की प्रकृति, प्रगुहा को बोलते हैं सीलोम। देखिए हमारी जो और बॉडी वॉल और गट के बीच का स्पेस होता है, गट मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसको बोलते हैं बॉडी वॉल, ठीक है? सीलोम बोलते हैं इसको, गुहा बोलते हैं, ठीक है? तो वो उसकी प्रकृति पे निर्भर करता है जो वर्गीकरण है, देखेंगे कैसे।
और परिसंचरण तंत्र खुला है, बंद प्रकार का है। दो प्रकार के परिसंचरण तंत्र होते हैं, खुला एक बंद प्रकार का। बंद प्रकार में जो रक्त है वो वाहिकाओं में बहता है, आर्टरीज में, वेसल्स में बहता है, ठीक है। जैसे हमारे मनुष्य में कैसा पाया जाता है, बंद प्रकार का, वो वाहिकाओं में बह रहा है पूरे, मतलब ऐसे नहीं पूरे शरीर अंग उसमें डूबे हुए नहीं है, आर्टरीज में और वेन्स में बह रहा है, ठीक है। और उसके अलावा जनन तंत्र किस प्रकार का है, जनन कैसे हो रहा है, आपका असेक्सुअल हो रहा है, सेक्सुअल हो रहा है, बाहरी जनन होना है, आंतरिक जनन हो रहा है, ठीक है। तो यही विशेषताएं, इनके आधार पर हम लोगों ने डिवाइड किया है संघों में जंतुओं को। अभी उन आधारों को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं जो संगठन के स्तर हैं। तो कोशिकीय स्तर है, ऊतक स्तर है, किस प्रकार का स्तर है, अंग स्तर है। तो ऊतक स्तर जो होता है उसमें क्या होता है, कोशिका जो होती है, समान कोशिकाएं एक विशेष कार्य के लिए आपस में ग्रुप बना लेते हैं, उसको ऊतक बोलते हैं। फिर ऊतक विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर अंग बना लेते हैं, फिर अंग मिलकर अंग तंत्र बना लेते हैं। तो इस प्रकार से ये संगठन के स्तर होते हैं, ये भी एक आधार है। चलिए देखते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम को देख लेते हैं। ओपन होता है, क्लोज टाइप का होता है, बता ही चुका हूँ कैसे होता है। ओपन टाइप का होता है, क्लोज टाइप का होता है। ओपन टाइप का देख लीजिए कॉकरोच, ऑर्थोपोडम पाया जाता है। क्लोज टाइप का देख लीजिए हमारे अंदर भी पाया जाता है, जिसमें आर्टरीज और वेन्स ये लिखा हुआ है, आर्टरीज और वेन्स धमनी और शिराओं में बहता है रक्त। और ओपन टाइप का उसमें जो अंग होते हैं वो उसमें पड़े रहते हैं, ठीक है, ब्लड में डूबे रहते हैं। इसमें कोई वाहिका या कोई भी प्रकार की आर्टरी वेन नहीं होती, टिश्यू और सेल हैं वो डूबे रहते हैं। ये लिखा है बाथर्डिनेट, मतलब इसमें डूबे रहते हैं। अब बात करते हैं सम्मिति की। ये देखिए ये सम्मिति होती है। तो ये देखिए, इसको अगर किसी भी प्लेन से काट रहे हैं, अगर सेम भाग में कट रहा है, तो उसमें रेडियल सिमेट्री होगी। जैसे जो स्पंजेस हैं उसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, उनको किसी भी भाग से काट दीजिए, दो भाग में डिवाइड हो जाएगा आइडेंटिकल, ठीक है। और सॉरी, स्पंजेस में मोस्टली असिमेट्री होती है। असिमेट्री का मतलब ये होता है कि उसको कहीं से भी काट रहे हैं तो फिर वो सेम भाग नहीं बन रहा है, ठीक है, किसी भी प्लेन से काट रहे हैं। और रेडियल सिमेट्री किसमें होती है, रेडियल सिमेट्री होती है आप किसी भी भाग से उसको काट रहे हैं तो रेडियल सिमेट्री को हिंदी में बोलते हैं अरीय सम्मिति, अरीय, ठीक है, मतलब किसी भी प्लेन से उसको काट रहे हैं, किसी भी एंगल से काट रहे हैं, सेम दो भागों में डिवाइड हो जा रहा है वो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। लेकिन बाइलेटरल सिमेट्री किसे बोलेंगे, केवल एक ही ऐसे प्लेन से काट रहे हैं। ये कोई जंतु है, देखिए इसको हमने बिल्कुल बीच से यहां से काटा, तो ये एक भाग और दो भागों में कट जाएगा, लेकिन दोनों भाग सेम होंगे, ठीक है, बिल्कुल सेम होंगे दो भाग, ठीक है, तो इसको बोलेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। अगर लेकिन अगर इसको हम ऐसे काटते तो क्या ये दो भाग सेम होते, नहीं होते। तो इस प्रकार से इसमें कौन सी सिमेट्री पाई जाएगी, अरिय नहीं पाई जाएगी। अरिय तब पाई जाती जब इसको ऐसे भी काटते तो भी सेम भाग बनते, मतलब किसी भी प्लेन से काटने में सेम भाग बनते, ठीक है, लेकिन इसमें एक ही, मतलब एक ही प्लेन से काटने में सेम भाग बन रहे, तो इसको बाइलेटरल द्विपार्श्व सम्मिति बोलेंगे। अब वो देख लेते हैं डिप्लोप्लास्टिक, और डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। देखिए कोशिकाओं की तीन लेयर होती हैं, एक बाहरी होती है एक्टोडर्म, फिर होती है मीजोडर्म, फिर होती है एंडोडर्म। तो किसी किसी में ये मीजोडर्म बीच वाली नहीं होती, एंडोडर्म होती है, तो उसको भी आधार बना लिया जाता है, ठीक है। तो जिसमें दो होती हैं उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें दो लेयर होती हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और जिसमें तीन लेयर होती है उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। अभी देखेंगे किन किन में होती है। तो ये देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक कहां से शुरू हो जाती है, प्लेटी हेलमेंथीस से कॉर्डेट्स तक, कौन सी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिकोरी की हिंदी में देख लीजिए अपनी टर्म, ठीक है। और डिप्रोब्लास्टिक जो है वो सीलिंग ट्रेड में होती है, स्पंजेस में होती है, ठीक है। और इसमें एक, लेकिन बीच में जो डिप्लोब्लास्टिक होता है ना, डिप्लोब्लास्टिक जंतु होते हैं उसमें एक तो एक्टोडर्म होती है, एक एंडोडर्म होती है, लेकिन एक बीच में बहुत ही छोटी सी, बहुत मतलब अव्यवस्थित टाइप की एक लेयर होती है, उसको मीजोग्लिया बोलते हैं। उसको प्रॉपर मीजोडर्म नहीं बोल सकते हम, ठीक है, उसको मीजोग्लिया बोलते हैं। ये देखिए ये चित्र में दर्शाया गया है, ये आपका ये बाला जो है ये कौन सा है, डिप्लोब्लास्टिक, ये है ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इसमें मीजोडर्म प्रॉपरली है, ये देखिए ये व्यवस्थित है सेल में, लेकिन ये मीजोग्लिया देखिए एक बहुत अनडिफ्रेंशिएटेड है, मतलब बहुत अव्यवस्थित टाइप की है, इसको मीजोग्लिया बोलते हैं। बीच में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होती है, तो मेनली ये डिप्लोब्लास्टिक ही होते हैं, क्योंकि इसमें एक्टोडर्म एंडोडर्म पाई जाती है। हाँ वो बात अलग है, मीजोग्लिया बीच में पाई जाती है, लेकिन वो प्रॉपर लेयर नहीं होती, यहाँ पे प्रॉपर लेयर पाई जा रही, ठीक है। तो ये आप पिक्चर को देख लीजिए। अब बात करते हैं सीलोम की। अब सीलोम को मैं बता चुका हूँ क्या होता है, जो कोशिका भित्ति और आहार नाल, जो एलिमेंट्री कैनाल और आपका कोशिका भारी शरीर है उसकी लेयर है,
आपका जो शरीर है आपको दिखता है, आप छूते हैं अपना शरीर को, तो वो लेयर और आपकी जो अंदर जो एलिमेंट्री कैनल पाई जा रही है, मतलब जो जिसमें से भोजन होके गुजरता है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का स्पेस को बोलते हैं सीलोम, ठीक है, सीलोम या देहगुहा बोलते हैं उसको हिंदी, या प्रगुहा भी बोलते हैं। तो वो एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, तो जिनमें ये होती है उनको बोलते हैं देहगुहीय जंतु, ठीक है, सीलोमेट, और जिनमें नहीं होती उनको अगुहीय जंतु बोलते हैं और या एसिलोमेट। तो एक संघ होता है निमेटी हेलमेंथीस, कौन सा होता है वो, निमेटोडा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो ये होती है ये ट्रू नहीं होती, मतलब बनी तो होती है, ये मीसोडर्मल नहीं होती। अच्छा, इसका ओरिजिन क्या होता है, प्रगुआ जो होती है, जो सीलोम होती है, उसका ओरिजिन होता है मीसोडर्म, वो मीसोडर्म से बनती है। मीसोडर्म मतलब वो बीच वाली लेयर होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच की जो लेयर होती है मीसोडर्म। लेकिन जो हमारा निमेटोडा होता है उसमें जो है ऐसी ये जो है मीसोडर्म से नहीं बनती है, तो ये ट्रू सीलोम नहीं इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉल्स सीलोम। क्या बोलते हैं, फॉल्स सीलोम, ठीक है, कूट दे हुआ। ये देखिए इस प्रकार से ये स्यूडोसीलोम है, ये किसमें है, ये होती है आपकी निमेटोडा में, और ये बाकी ये सीलोम बनी हुई है यहाँ पे देखिए, और ये एसिलोमेट है, इसमें सीलोम ही नहीं, और ये यहाँ पे सीलोम बनी हुई है प्रॉपर मीसोडर्मल, ठीक है, ये देखिए स्पेस है ना, सीलोम बनी हुई है प्रॉपरली। अब सेगमेंटेशन क्या होता है, सेगमेंटेशन जो शरीर होता है विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों में डिवाइड होता है, उसको बोलते हैं सेगमेंटेशन या खंडी भवन, ठीक है, इसके आधार पर भी डिवाइड किया जाता है। अभी नोटोकॉर्ड क्या होती है, नोटोकॉर्ड भी एक मीसोडर्मली ड्राइव स्ट्रक्चर होता है, जो मीसोडर्म से बनता है, ठीक, तो ये डोर्सल साइड में होता है, एनिमल्स के डोर्सल साइड में होता है, डोर्सल साइड मतलब अग्रभाग में होता है, और दो भाग, चार प्रकार के भाग होते हैं, अग्रभाग, पशु भाग और पार्श्व भाग, ठीक है, जो साइड वाले होते हैं उनको बोलते हैं पार्श्व, लेटरल, और जो डोर्सल होता है उसको अग्र बोलते हैं, और जो पीछे वाला होता है उसको पश्व बोलते हैं या वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है, वेंट्रल। तो यह है नोटोकॉर्ड, ये क्वाड्रेट्स में पाई जाती है, नॉन क्वाड्रेट्स में नहीं पाई जाती, और यही मेन आधार बना हुआ है, ठीक है, क्वाड्रेट और नॉन क्वाड्रेट में जो डिवीजन किया गया है। अब बात करते हैं फाइलम पोरीफेरा की, फाइलम पोरीफेरा में स्पंजेस पाए जाते हैं, इसमें एक विशेष विशेष प्रकार का तंत्र होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैनाल सिस्टम, ठीक है, उसमें क्या होता है, कैनाल सिस्टम में जो वाटर अंदर से जाता है छिद्रों में से, उसको ऑस्टिया बोलते हैं, और ऑस्कुलम में से निकल जाता है, तो उसका काम क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, जल से न्यूट्रिशन जाता है स्पंजेस में। इनमें विशेष प्रकार की सेल्स होती है, इनको कोइनोसाइट और कॉलर सेल बोलते हैं, ठीक है, ये स्पंजोसील जो होती है, स्पंज की जो गुहा होती है वो प्रॉपर तो नहीं होती, लेकिन उनकी गुहा को स्पंजोसील बोलते हैं, ठीक है, स्पंज गुहा भी बोलते हैं। तो इसमें जो डाइजेशन है वो इंट्रासेलुलर होता है, मतलब सेल के अंदर होता है डाइजेशन, ठीक है, सेल के अंदर होता है, ये बाहर नहीं होता, जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर हो रहा है, सेल के अंदर नहीं हो रहा है, फिर बाद में जो पच के जो भोजन है वो ब्लड के थ्रू सेल्स में जा रहा है, ठीक है, तो इसमें लेकिन स्पंजेस में सेल के अंदर ही होता है, सेल के अंदर भोजन चला जाता है, फिर वहीं पे उसका जो है डाइजेशन होता है। द बॉडी सपोर्टेड बाई, अच्छा, इसमें एक विशेष प्रकार के स्केल्टन होते हैं, उसको स्पंजिन फाइबर बोलते हैं, ठीक है, और इसमें सेक्स सेपरेट नहीं होता, ठीक है, दोनों एक ही में होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट बोलते हैं इनको, एक लिंगाशयी, मतलब एक, ठीक है, उभयलिंगी होते हैं ये, समझ गया मेरी बात, मतलब दोनों में, एक ही जंतु में दोनों के लिंग होते हैं, ठीक है, मेल के भी फीमेल के भी, ओके, और लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा होता है, और इसके एग्जाम्पल आप देख लीजिए कौन कौन है, साइकॉन है, स्पंजिला है, और यू स्पंजिया है, ये यहाँ पे कुछ जरा इन पे गौर करिए, यू स्पंजिया को बोलते हैं बाथ स्पंज, जो बाथिंग में आप इस्तेमाल करते हैं, आप देखेंगे पुराने जमाने में लोग अपने शरीर को रगड़ने के लिए स्पंज का प्रयोग करते थे, तो वो यू स्पंजिया होता था, और स्पंजिला को बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पंज। तो कभी कभी डायरेक्ट में ये क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जो बाथ स्पंज है उसको क्या बोलते हैं, यू स्पंजिया, फ्रेश वाटर स्पंज को, तो इन तीनों एग्जाम्पल को आप रट लें, ठीक है। सिलेंट्रेटा को बोल देख लेते हैं, तो सिलेंट्रेटा में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उनको निडोसिल बोलते हैं, वो क्या काम करती हैं, वो ये काम करती हैं कि जो आपका तभी इसी जो निडोसिल की वजह से इनको निडेरिया नाम भी दिया हुआ है, या इनमें जो सेल्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, निमेटो ब्लास्ट, ठीक है, निमेटो ब्लास्ट सेल बोलते हैं, निडोसिल भी बोलते हैं, ठीक है, उनके अंदर निडोसिल पाया जाता है, निमेटो ब्लास्ट सेल के अंदर।
तो ये कहाँ पे होती हैं, ये शरीर जो ये कोशिकाएं स्पर्शकों में होती हैं, जो स्पर्श जो शरीर के वो अंग जहां से स्पर्श का अनुभव होता है, और अन्य भागों में भी पाई जाती हैं, ठीक है। इनको दंश कोशिका भी बोलते हैं। ये काम क्या करती हैं, ये काम करती हैं जो आपका शिकार को पकड़ने का, शिकार को लपेट के उसकी जो गुहा होती है उसमें डाल देती है, वहां उसका पाचन हो जाता है, और इसी प्रकार से वो पोषण करता है। जो सिलेंटेटा होते हैं वो पोषण करते हैं, और कुछ में कुछ सदस्य होते हैं उनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल भी बना पाया जाता है, ठीक है। और पॉलिप और मेड्यूसा दो फॉर्म भी पाई जाती हैं इनमें, ठीक है। जो पॉलिप होती है वो बेलनाकार होती है, ठीक है। हाइड्रा जो होता है वो पॉलिप होता है, ठीक है, बेलनाकार होता है। और मेड्यूसा जो होती है, मुक्त पिलावी छतरी के आकार की होती है, ठीक। और एलिया और जेलीफिश वो मेड्यूसा फॉर्म में आते हैं, लेकिन कुछ में दोनों होती हैं, ठीक है। और मेड्यूसा भी होती है, पॉलिप भी होती है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल आप रट लें, कौन कौन से हैं इनमें, कौन कौन से हैं आपके, देखिए एग्जाम्पल ये दिए हुए हैं, फाइसेलिया, ठीक है, और पिनेटुला, गॉर्गोनिया और मेंड्रीना, ठीक है। तो जो इनमें कुछ सदस्य जो होते हैं इनमें एक प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल बनाया पाया जाता है ना, तो वही कोरल भी बनाते हैं, ठीक है। जो कोरल रीफ आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में, अंडमान में, तो वो यही होते हैं, सिलेंट्रेटा के जंतु होते हैं, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, मेंड्रीना, ब्रेन कोरल, अलग अलग प्रकार के कोरल होते हैं, ठीक है। और इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, मतलब जो एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या है, पीढ़ी एकांतरण, मतलब पॉलिप मेड्यूसा में बदलती है, मेड्यूसा पॉलिप में बदलती है, तो पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा असेक्सुअली, तो पॉलिप से मेड्यूसा बनती है कैसे, असेक्सुअली, और मेड्यूसा से पॉलिप कैसे बनता है, वो सेक्सुअली बनता है। खैर कोशिश करें कि इसको समझ पाए जो मैंने बताया है। वैसे आप मेनली इसकी एग्जाम्पल ध्यान रखिए, और एक लक्षण इसमें निमेटोब्लास्ट पाई जाती है उसको ध्यान रखिए, ठीक है। और पॉलिप और मेडुसा फॉर्म पाई जाती है, ठीक है। ये देखिए ये निमेटोब्लास्ट का एग्जाम्पल है, इस प्रकार से इसमें एक ये निकला रहता है तंतु, ये इसके इसके चारों तरफ लपेट लेती है, ये किसी भी शिकार होता है, और उसको हाइड्रा के शरीर में डाल देती है। हाइड्रा मतलब कोई भी जो सिलेंट्रेट हो, ठीक है, उसके शरीर में डाल देती है। फाइलम टीनोफोरा की बात कर लेते हैं, टीनोफोरा को सी कॉमनली नोन है सी वॉलनट भी बोलते हैं, ठीक है, समुद्री अखरोट, और कॉम जेलीज भी बोलते हैं इसको, ठीक है, कंकाल जेली, ये सभी समुद्रवासी होते हैं। और इनमें सिमेट्री कैसी पाई जाती है, इनमें सिमेट्री पाई जाती है आपका अरीय, रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री मतलब किसी भी प्लेन से काट दें दो सेम भाग बन जाएंगे, और ये चलने में मदद कर, जो कॉम प्लेट पाई जाती हैं, कॉम प्लेट होती हैं वो चलने में मदद करती हैं, और डाइजेशन जो होता है दोनों प्रकार का होता है, इंटरसेलुलर भी एक्स्ट्रा सेलुलर भी। हाँ एक चीज और, जो डाइजेशन इसमें होता है ना सिलिंगटेटा में, वो भी दो प्रकार का होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है, मतलब कोशिका के अंदर भी होता है, कोशिका के बाहर भी होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी इंट्रा सेलुलर भी, ठीक है, वैसे इसमें होता है टीनोफोरा में, ये थोड़ा मिलते जुलते हैं, टीनोफोरा और सिलिंगटेटा मिलते मिलते जुलते हैं, ठीक है। इसमें भी डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर होता है, ठीक। और आपका इसमें बायोल्यूमिनेसेंस का एक गुण पाया जाता है, बायोल्यूमिनेसेंस मतलब क्या होता है, दीप सदीप, मतलब इनके अंदर ऐसी क्रिया होती है इनकी, इनका शरीर चमकता है, मतलब बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, उसके वजह से इनका जो है शरीर चमकता है। टीनोफ्रॉ की यही मुख्य विशेषता है, नर मादा अलग नहीं होते, देखिए इसमें भी नर और मादा अलग नहीं होते, एक ही प्राणी में होते हैं, ठीक है। और रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है भारी होता है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि इसमें डायरेक्ट जाइगोट से जंतु नहीं बन रहा, बीच में एक स्टेज पाई जा रही है, उसको लार्वा वार्वा बोलते हैं, ठीक है, लार्वा स्टेज इसमें पाई जाती है। अब इसके एग्जाम्पल आप देख लें क्या है, प्लोरोबेरेकिया और टीनोप्लाना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्लेटी हेलमेंथीस की, तो प्लेटी हेलमेंथीस की जो बॉडी होती है वो फ्लैट होती है, अब इसको फ्लैट वर्म भी बोलते हैं, फीता कृमि इसी का एग्जाम्पल होता है, ठीक है, टेप वॉर्म जिसको बोलते हैं, टीनिया भी इसको बोलते हैं, टीनिया उसका साइंटिफिक नाम है। और इसका एक एग्जांपल क्या होता है, लीवर फ्लो फेशियोला, और इसमें एक प्लेनेरिया पाया जाता है। प्लेनेरिया इसलिए ज्यादा आपके लिए उपयोगी है ये एग्जांपल, क्योंकि इसमें एक कैपेसिटी पाई जाती है रीजनरेशन की, रीजनरेशन मतलब प्लेनेरिया का कोई भी भाग टूट के गिर जाए उससे नया जंतु बन जाएगा, वही सेम प्लेनेरिया जैसा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, रीजनरेशन, ये मैंने पहले भी पिछले चैप्टर में भी बता चुका हूँ, ठीक है। उसमें हुक और सकर होते हैं, क्योंकि ये हुक मतलब चिपकने के लिए, सकर खून चूसने के लिए, क्योंकि ये क्या करते हैं परजीवी होते हैं दूसरों जंतुओं पर,
परजीवी का काम करते हैं, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। प्लेटिहेल्मिन्थेस से ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू हो जाता है, मतलब ठीक है, मतलब इनकी क्या है जो कोशिका संरचना है, तीन लेयर में होती है, एक एंडो एक्टोडर्म बीच में, फिर मीजोडर्म, फिर एंडोडर्म, ठीक है, और बाइलेटरल सिमेट्री होती है, द्विपार्श्व सममिति भी यहां से शुरू हो जाती है। इनको काटेंगे तो एक ही प्लेन से ये दो भाग में कट जाएंगे, ठीक है, बाकी किसी प्लेन से काटेंगे तो नहीं कटेंगे, ठीक है, बिल्कुल बीच में से कटेंगे। अब बात कर लेते हैं एस्केहेल्मिन्थीज की। तो एस्केहेल्मिन्थीज जो होते हैं वो राउंड वार्म होते हैं, इनको निमेटोडा भी बोलते हैं, ठीक है। इनका जो है, आपको देखा होगा जो गोल कृमि बच्चों में आपने कीड़े निकलते हुए देखे होंगे, वो एस्केरिस होते हैं, वो इसी संघ से आते हैं, ठीक है, एस्केहेल्मिन्थीज से। इनमें मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट होती हैं, ठीक है, तो आपको मतलब उसका दूर से आप पता भी लगा सकते हैं, मेल और फीमेल का कुछ लक्षणों के लक्षण ऐसे होते हैं, उनके आधार पर इनका पता भी लगा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल हाईली अलग से बिल्कुल चमकते हैं मेल और फीमेल, ठीक है। और इसमें जो है एलिमेंट्री कैलन कंप्लीट होती है, तो ये फ्री लिविंग भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ठीक है, जलीय भी होते हैं, स्थलीय भी होते हैं, और मुक्तजीवी होते हैं, और पैरासिटिक का काम भी करते हैं, परजीवी भी होते हैं, ठीक। और इसमें अंग तंत्र का संगठन होता है, ठीक है, यहां से अंग तंत्र स्टार्ट हो जाता है, मतलब विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है, मतलब एक्सक्रीशन सिस्टम अलग होगा इसमें, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, परिवहन तंत्र, ठीक है, इस प्रकार से होते हैं। और नर और मादा इसमें अलग अलग होते हैं, और एस्केरिस इसका एग्जाम्पल है, और बुचकेरिया इसका एग्जाम्पल है, बुचरेरिया, ओके, बुचरेरिया, और एनसाइक्लोस्टोमा इसका एग्जाम्पल। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, जो आपको फाइलेरिया होती है ना, यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन निकल रहा है, फाइलेरिया जो होती है जिसमें पैर देखेंगे आपके फूल जाते हैं, पूरे हाथी की तरह हो जाते हैं, तो हाथी गुंफा रोग भी बोलते हैं, तो वो जिसके द्वारा होता है वो इसी संघ से आता है, वो होता है बुचरेरिया द्वारा, इसको फाइलेरिया वर्म बोलते हैं। और जो राउंड वर्म होते हैं, जो बच्चों के कीड़े होते हैं छोटे छोटे, वो भी इंपॉर्टेंट है आपका, तो वो होते हैं एस्केरिस के द्वारा, राउंड वर्म के द्वारा। तो इसको खत्म करने के लिए एक मिशन भी चलाया जा रहा है सरकार द्वारा, उसको बोल रहे हैं डीवॉर्मिंग स्कीम, उसमें एक प्रकार की गोली दी जाती है, ठीक है, तो वो वितरित करी जाती है 6 महीने में, हर 6 महीने में, मतलब साल में 2 बार, तो वो 19 साल तक के बच्चों को खिलाई जाती है, 19 साल तक के, खैर बच्चे तो नहीं रहे, वो तो किशोरों में आ जाते हैं, तो उनको खिलाई जाती है, तो उनके शरीर में जो इन्फेक्शन है एस्केरिस का वो निकल जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। उन उस गोली को बोलते हैं एल्बेंडाजोल, ठीक है, एल्बेंडाजोल नाम ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है, क्योंकि ये मिशन चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, है उसमें एल्बेंडाजोल गोली का वितरण किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं एनिलिडा की। एनिलिडा में कौन आते हैं? एनिलिडा में आपको बताइए केचुआ आता है, सबसे फेमस जंतु है, और इनमें आप देख लीजिए सेगमेंटेशन होता है, और बाइलेटरल सिमेट्री होती है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीन कोशिकाओं की लेयर होती है, ठीक है, और सेगमेंटेशन जो सेगमेंट होते हैं छोटे छोटे, उनको एक सेगमेंट को मेटामर बोलते हैं, ठीक है, और इनमें रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तभी इनको एनिलिडा बोलते हैं, मतलब रिंग तरह से प्रतीत होते हैं ये, इनके शरीर में देखेगा आपको छोटी छोटी रिंग है, ठीक है, तभी इनको एनिलिडा बोलते हैं, क्योंकि एनिलिडा एनिलिडा बना है एनुलस से बना है, उसको बोलते हैं रिंग, ठीक है, रिंग मतलब अंगूठी टाइप का, छल्ले होते हैं, ठीक। और इनमें नेरीज होता है एक जंतु, नेरीज में क्या होता है, लेटरल अपेंडेजेस होते हैं, उनको पेरापोडिया बोलते हैं, उनको स्विमिंग में मदद करते हैं, और इनमें नेफ्रिडिया होता है, नेफ्रिडिया मतलब जो है एक्सक्री, इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, और इनमें नेफ्रिडिया क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करता है। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब क्या, कहने का क्या मतलब है, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है, इनके शरीर में परासरण को नियंत्रित करता है, ठीक है, ये कितनी सांद्रता किसी पदार्थ की रहनी है, अगर कोई पदार्थ ज्यादा मात्रा में हो रहा है तो इसको बाहर निकाल दे रहा है, ठीक है, वो काम कौन करता है, नेफ्रिडिया, ध्यान रखिएगा, आपको इंग्लिश में भी उसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ब्रकक, और इंग्लिश में बोलते हैं नेफ्रिडियम, ठीक है। और पैरापोडिया किस में पाए जाते हैं, नेरीज में, ठीक है। और न्यूरल सिस्टम इसका वेल डेवलप, ब्रेन ब्रेन तो इसमें खैर होता नहीं है, लेकिन इसमें गैंगलिया होते हैं, गैंगलिया लेटरल नर्व से कनेक्ट रहते हैं, और वेंट्रल नर्व कोर होते हैं। अच्छा एक चीज मैं बताऊं, जो जितने नॉन कॉर्डेटा होते हैं उनमें जो नर्वस सिस्टम पाया जाता है वो वेंट्रल होता है, ठीक है, और बाकी जो कॉर्डेट होता है उसमें डोर्सल होता है, वेंट्रल मतलब जो पश्च भाग में होता है, और कॉर्डेट में होता है डोर्सल, ठीक है। और नेरीज एन एक्वाटिक फॉर्म, तो नेरीज जो होता है एक जलीय होता है, और ये डायशियस होता है, डायशियस का मतलब क्या हो गया, नेरीज का उभयलिंगाशयी होता है, ठीक है, और जनन लैंगिक विधि द्वारा होता है, और इसके एग्जाम्पल देख लीजिए जो जो है नेरीज, नेरीज है फेरेट, केचुए का क्या बोलते हैं साइंटिफिक नेम, फेरेटिमा, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में आ जाता है, बाकी तो साइंटिफिक नाम नहीं आएगा, केचुए का तो ध्यान रखिएगा, केचुए का क्या होता है फेरेटिमा, और उसका क्या होता है आपका
कॉकरोच का, कॉकरोच का होता है पेरी प्लाना, ठीक है, और हिरुडिनिया, हिरुडिनिया भी इसमें आता है। आप लीच, आप जोक होता है ना, जोक जोक क्या काम करती है आपको पता ही होगा, अगर किसी मनुष्य के उसमें चिपक जाए बॉडी में तो वो सब खून चूस लेती है, और छूटती नहीं है, तब तक नहीं छूटती जब तक पूरा खून नहीं चूस लेगी, फिर ये अपने आप छूट जाती है। इसका शरीर इतना भारी हो जाता है, इसको छोड़ना पड़ता है फिर अपने जहां से चिपकती है, ठीक है। तो ये आप इसके लिए इसका नाम बन गया, अगर ये चिपक जाएगी तो बड़ा तेजी से खून चूसती है, बड़ा दर्द होता है, और आप छुटाएंगे छुटेगी नहीं, ठीक है। पुराने जमाने में इसका उपयोग किया जाता था, कैसे, जो फोड़े फुंसी निकल आते हैं बड़े बड़े, उसमें ये चिपका दी जाती थी, जो वहां पे चिपका दी जाती थी, वैद्य लोग करते थे उपयोग, फिर ये सारा जो उनका अंदर का मटेरियल जो उसका पस वस होता है वो चूस लेती थी, और ये फिर इसको निकाल दिया था। तो इसका इलाज में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है हिरोडिनिया का, ठीक है। अब ऑर्थोपोडा की बात कर लेते हैं। ऑर्थोपोडा तो है लार्जेस्ट, लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। लार्जेस्ट फाइलम मतलब सबसे ज्यादा जंतु इसी में से आते हैं। इनका एक क्लास है उसको इंसेक्टा बोलते हैं, मतलब आप देखें तो इंसेक्ट इतने ज्यादा हैं कि हर जो दसवां जंतु है, 10 जंतुओं में से 7 जंतु इंसेक्ट हैं, ठीक है। मतलब जो 10 दुनिया में जंतु पाए जा रहे हैं उसमें से 7 इंसेक्ट हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा ये फाइलम है, ठीक है। और इसमें जो है हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन होता है, ठीक है। इनकी बॉडी जो होती है हेड में, थोरेक्स में और एब्डोमेन में डिवाइड होती है। हिंदी में बोलते हैं इसको शरीर, सिर, शरीर जो होता है सिर, वक्ष और उदर में, उदर बोलते हैं एब्डोमेन को, और सिर बोलते हैं हेड को, और वक्ष बोलते हैं थोरेक्स को, ठीक है। और इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो क्लोज प्रकार का होता है, वो सॉरी ओपन प्रकार का होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम एनेलिडा में तो खैर क्लोज टाइप का था, यहाँ पे ओपन टाइप का है, जबकि ये ज्यादा डेवलप है एनेलिडा से, लेकिन इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, ठीक है। और मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं इसमें, मेलपिगियन नलिकाएं इसको बोलते हैं, वो काम ये करती हैं एक्सक्रीशन का, उसमें जो उत्सर्जन होता है उसका काम करती हैं। और सेंसरी ऑर्गन होते हैं इसमें, संवेदी ऑर्गन जिसको बोलते हैं संवेदी अंग, वो एंटीना होता है, आई होती है, आई इनकी कंपाउंड होती है, मतलब बहुत छोटी छोटी आई से मिलके बनी होती है, बहुत छोटी छोटी यूनिट से, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, अब एग्जाम्पल इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके एग्जाम्पल को तो बिल्कुल रट लीजिए बार बार। एक लिविंग फॉसिल बोलते हैं इसको लिमुलस किंग क्रैब, ठीक है। ग्रेगार्जियस पेस्ट इसको बोलते हैं, ग्रेगार्जियस पेस्ट बोलते हैं लोकस्टा, जो लोकस्ट होती है, ठीक है, मतलब एक ग्रेगार्जियस मतलब कॉलोनी में रहते हैं ये। और बैक्टर होते हैं आपके एनाफिलीर, एनाफिलीर बैक्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये रोगों को जो रोगाणु है उनको जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक। एनाफिलीज, क्यूलेक्स और एडीज, ये तीनों मॉस्किटोज हैं, ये तीनों इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ऑर्थोपोडा में इंसेक्टा में आते हैं, ठीक है। और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट कौन कौन से, जो एपिस है वो हनी भी होती है जो हमें शहद देती है, और बॉम्बिक्स है वो, बॉम्बिक्स मोराई किसका एग्जाम्पल है, सिल्क वॉर्म का, ठीक है, सिल्क देता है हमको। और लेसीफर है लेक इंसेक्ट, आप देखेंगे जो लाख होता है एक प्रकार का लेक पदार्थ होता है जिसको सीलिंग में उपयोग किया जाता है, कभी आप पार्सल होंगे और जो सील करने में उपयोग किया जाता है, तो वो भी एक प्रकार के इंसेक्ट से प्राप्त किया जाता है, उसको बोलते हैं लेसीफर या लेक इंसेक्ट, ठीक है। तो इसके इसको आप एक बार पढ़ लीजिए पूरे को, ये इसके लक्षणों को, ये टिप्रोब्लास्टिक, अच्छा टिप्रोब्लास्टिक जो प्लेटी हेलमेन थे इससे फिर आगे के जितने जंतु है, प्लेटी हेलमेन थी इससे टिप्रोब्लास्ट शुरू हो जाता है, वहां से त्रिकोशिकीय संगठन शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब तीन लेयर में सेल होती है, ठीक है, कौन सी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। अब मोलस्का की बात कर लेते हैं, ये सेकंड लार्जेस्ट वो फाइलम है, ठीक है। अभी लार्जेस्ट फाइलम तो सबको पता होता है, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट नहीं पता होता, तो वो क्वेश्चन में कभी आ सकता है, ठीक है। तो दूसरा सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, मोलस्का है। इसकी जो बॉडी होती है किसमें डिवाइड होती है, हेड में मस्कुलर फूड और विसरल हम्प में, ठीक है। हिंदी में देख लीजिए क्या है, सिर है पेशीपाद और अंतरंग कुकुद, बहुत टफ थोड़ा नाम है, ठीक है। और जो इनमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, इनमें एक रेस्पिंग ऑर्गन होता है भोजन पकड़ने के लिए, उसको बोलते हैं रेड्यूला, ठीक है, रेड्यूला, या हिंदी में बोलते हैं रेती, ये जीहा क्या लिखा है, रेती जीहा, ठीक है। जैसे हमारी जीभ बॉडी पकड़ती है, वो जो जीभ होती है हमारी बॉडी में, वो आप देखेंगे कोई भी चीज को कैप्चर करती है, ठीक है, वैसे इसमें होता है, उसको रेड्यूला बोलते हैं। और ये जो है डायोशियस होते हैं, ओबीपेरस होते हैं, ओबीपेरस का मतलब क्या होता है, अंड प्रजक होते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। और बीवीपेरस क्या होते हैं, जो सीधे जंतुओं को जन्म देते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग कौन है, बीबी पेरेस है, क्योंकि वो अंडे नहीं देता, डायरेक्ट जो है जंतु को जन्म देता है। और डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है, मतलब बीच में एक लार्वा की स्टेज पाई जाती है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जो ऑक्टोपस है
उसको डेविल फिश बोलते हैं, और ऑक्टोपस को याद कर लीजिए, पाइला को याद कर लीजिए। अच्छा, पाइला में जो एपिल स्नेल है, पिंकटाडा को याद कर लीजिए, पाइला को बोलते हैं एपिल स्नेल, और पिंकटाडा जो पर्ल ऑयस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मैं बता रहा था, पिंकटाडा। ठीक है, ये जो है मोती से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और सीपिया जो कटल फिश होती है वो भी इसका एग्जाम्पल है। तो ये इसके एग्जाम्पल जो स्टार्टिंग के चार पांच है वो देख लीजिए। ठीक है, ऑक्टोपस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्टोपस मोलस्का से आता है, और ये पिंकटाडा जो मोती है जिससे प्राप्त किया जाता है, समुद्री जंतु होता है, मोती प्राप्त किया जाता है, उसको खोलते हैं, देखते हैं लेयर होती है, दो उसको खोलते हैं उसमें मोती निकलता है, तो वो इसी में से आता है, मोलस्का से आता है। अब बात कर लेते हैं इकाइनोडर्मेटा की। इकाइनोडर्मेटा में भी देखिए फिर अरीय सममिति शुरू हो गई, मतलब पुराना लक्षण शुरू हो गया। ठीक है, अभी तक बाइलेटरल सिमेट्री चल रही थी, अब इकाइनोडर्मेटा में कौन सी चालू हो गई, यहाँ चालू हो गई रेडियल सिमेट्री। जैसे वहां पे आप देखेंगे एनेलिडा में तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था, बंद प्रकार का, रक्त जो है बाहिकाओं में बह रहा था, लेकिन फिर आर्थोपोडा में एकदम क्या शुरू हो गया, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब उसमें क्या था कि जो रक्त है वो अंग है सारे रक्त में डूबे हुए हैं। और ऐसे ही वहां पे अभी तक बाइलेटरल सिमेट्री चल रही थी, द्विपार्श्व सममिति, लेकिन इकाइनोडर्मेटा में कौन सी स्टार्ट हो गई, अरीय सममिति। ठीक है, लेकिन वयस्क इकाइनोडर्मेटा में ही होती है, जो पूरा डेवलप इकाइनोडर्मेटा होते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप देखें इसकी जो लार्वा फॉर्म होती है, ठीक है, इसका जो लार्वा होता है उसमें द्विपार्श्व सममिति होती है, ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री, और इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक इसका जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इसमें जल संवहन तंत्र होता है। जल संवहन तंत्र भी एक इसे इसका एक प्रकार का, मतलब जल इनकी बॉडी से होकर गुजरता है। ठीक है, और उत्सर्जन तंत्र वगैरह सब इसमें होते हैं, और निषेचन इसका देख लीजिए, इसमें निषेचन जो होता है बाहर होता है, बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, और परिवर्तन अप्रत्यक्ष और लार्वा द्वारा होता है, मतलब बीच में लार्वा स्टेज पाई जाती है, और इनडायरेक्ट इसमें जो होता है डेवलपमेंट इसका जो होता है इनडायरेक्ट होता है, और फिर फ्री स्विमिंग लार्वा उसमें पाया जाता है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल आप देख लीजिए जो जो है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हेमिकॉर्डेटा की। ये बीच की इकाई होता है कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा की। ठीक है, ये पहले कशेरुकी संघ में उपसंघ के रूप में रखा गया था, पहले इसको कॉर्डेटा में रखा गया था उपसंघ के रूप में, कॉर्डेटा का मतलब एक पार्ट बनाकर, लेकिन इसको फिर बाद में अलग कर दिया गया। ठीक है, अब इसको हेमिकॉर्डेटा एक अलग फाइलम बना दिया गया, उसमें रखा गया है। ठीक है, अब इसमें जो है आप देखेंगे हेमिकार्डेटा कॉलर क्षेत्र में अल्विकसित संरचना एक होती है, इसको स्टोमो कार्ड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये नोटोकॉर्ड के समान होती है, लेकिन नोटोकॉर्ड नहीं होती, नोटोकॉर्ड मतलब पृष्ठ रज्जु के समान तो होती है, लेकिन पृष्ठ रज्जु नहीं होती है, पृष्ठ रज्जु विशेष लक्षण है कॉर्डेटा का, जिसमें पृष्ठ रज्जु है वो कॉर्डेटा में आएगा। पृष्ठ रज्जु मतलब नोटोकॉर्ड, जो इनका शरीर है वो डिवाइड होता है काय में, प्रोस्कोविस में, कॉलर में और ट्रंक में। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए क्या इसको बोलते हैं, यहाँ साइड में लिखा हुआ है, और इसके एग्जाम्पल देख लीजिए कौन है, बेलेनोग्लॉरस और बेलेनो ग्लॉसस और सेकोग्लॉसस। ठीक है, लास्ट में क्या है, ग्लॉसस ग्लॉसस है दोनों में, बेले बेले ग्लो बेलेनोग्लॉसस और सेकोग्लॉसस, तो आप ग्लॉसस ग्लॉसस याद रख लीजिए। ठीक है, पूरा स्पष्ट रूप से नहीं, एक न्यूमेनिक बना लीजिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में अंतर की। कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड जैसा मैंने बताया, जो पृष्ठ रज्जु होता है प्रेजेंट होता है उसमें, नहीं होता नॉन कॉर्डेट में, और इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है मैंने अभी बताया भी था, डोर्सल होता है। ठीक है, और इसमें कौन सा होता है, वेंट्रिकल होता है, वेंट्रल होता है नॉन कॉर्डेट में। देखिए केंद्रीय के तंत्र का तंत्र इसमें कौन सा होता है, प्रशीय खोखला होता है और एकल होता है, मतलब खोखला होता है, खोखला और डोर्सल, हॉलो और डोर्सल, ध्यान रखिएगा कॉर्डेट में कैसा है हॉलो और डोर्सल, और नॉन कॉर्डेट में कैसा है वेंट्रल और सॉलिड, समझ रहे मेरी बात। और इसमें जो फेरिंग्स होती है, जो ग्रसनी होती है, उसमें क्लोम छिद्र पाए जाते हैं जो कॉर्डेट होते हैं, और यहाँ पे नहीं पाए जाते इसमें नॉन कॉर्डेट में। ठीक है, हाइट होता है इसका वेंट्रल होता है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो सीएनएस था, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो तो कॉर्डेट में डोर्सल था। ठीक है, डोर्सल मतलब जो था अग्रभाग में था। ठीक है, लेकिन यहां पर जो हाइट होगा वो पश्च भाग में होगा। अब अपना ही देख लीजिए, आप ह्यूमन बीइंग में देख लीजिए, ह्यूमन बीइंग में जो हाइट होता है वो हमारा किस साइड की ओर होता है, सीने की तरफ होता है, और जो सीने का भाग जो होता है ये हमारा जो जो मुख साइड वाला भाग होता है, जिधर मुख और बाकी सब स्ट्रक्चर होता है आपका, ठीक है, वो उसको हम जनरली
पश्व भाग बोलते हैं मानव का, अग्र भाग जो होता है जिधर हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उधर को अग्र भाग बोलते हैं, ठीक है। जो पीठ की तरफ वाला भाग है हमारा वो अग्र भाग है, बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। वैसे हम लोग जनरली बोलेंगे कि ये हमारा देखिए जो मुख साइड वाला भाग है जिधर नाक है कान है और ये हमारा पेट है सीना है वो अग्र भाग है, वो अग्र भाग नहीं है साइंटिफिक दृष्टि से। साइंटिफिकली अग्र भाग कौन सा है आपका, जो पीठ की तरफ वाला भाग है, ठीक है। तो हार्ट इसका जो है ह्यूमन बींग का जो आपका नर्वस सिस्टम है वो कौन सा होता है, अग्र भाग होता है, मतलब वो पीठ की तरफ होता है। आप देखेंगे जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी में क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, वो भी एक नर्वस सिस्टम का भाग है, ठीक है। तो वो किधर है, किधर है देखिए, डोर्सल साइड में है ना, डोर्सल साइड मतलब पीठ की तरफ अग्र भाग, लेकिन हार्ट जो है इसमें वेंट्रल होता है, ठीक है, अदर भाग में होता है, लेकिन उसमें उल्टा होता है, नॉन कॉर्डेट में वो डोर्सल होता है, ठीक है, पश्व भाग में होता है, और कॉर्डेट में एक पोस्ट एनल पार्ट, एक गुदा पश्व पुष्य उपस्थित होती है कॉर्डेट में, और नॉन कॉर्डेट में ये नहीं होती, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कॉर्डेटा संघ के बारे में, इसमें वही मैंने बताया कि क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, खोखली तंत्रिका रज्जु पाई जाती है, पृष्ठज्जु पाया जाता है। तो ये कॉर्डेट की कुछ करेक्टरिस्टिक हैं, ये फोटो दिया हुआ है यहाँ देख लीजिए। ऐसा होता है ना, अगर जरूरी नहीं है कि एक वयस्क कॉर्डेट में ये सब लक्षण पाए जाए, जो क्लोम छिद्र है वो हमारे अंदर तो नहीं पाए जाते, लेकिन एक जीवन की हमारी ऐसी अवस्था आती है वहां पाए जाते हैं। कब आती है, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, तो गर्भ में वो पाए जाते हैं। तो जीवन की किसी ना किसी अवस्था में पाए जाएं, जरूरी नहीं है कि पूरी मतलब आप पूरा डेवलप हो जाएं तो ये सारे जितने लक्षण दिए हुए हैं 1 से 5 तक ये पाए जाएं, ठीक है, ऐसा नहीं है। और अब फाइलम कॉर्डेटा में इंक्लूड्स एनिमल विच पजेस नोटोकार्ड, अब ये जो लक्षण मैंने बताया इनको पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है, समझ रहे मेरी बात, इनको आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। खोखली तंत्रिका तंत्र होती है और इसमें फिर फर्दर जो है आपको डिवाइड किया जाता है कुछ कश इसमें साइक्लोस्टोमेटा में और नेटोस्टोमेटा में। नेटोस्टोमेटा को दो और वर्ग में विभाजित किया जाता है, पिसीज और टेट्रोपोडा में, ठीक है। पिसीज में कौन आते हैं, मछलियां आती हैं, और टेट्रोपोडा मछलियां दो प्रकार की होती हैं, कौन सी, कॉन्ड्रिथीज और ऑस्क्रिथीज। कॉन्ड्रिथीज जो होती हैं उसमें जो उनका जो कंकाल होता है वो काय का बना होता है, उपास्थि का, मतलब उपास्थि का, ठीक है, या कार्टिलेज का, या ऑस्टी ऑस्टी कोई थी जो को, जहां ऑस्टी वर्ड आ जाए वो समझ लीजिए हड्डी के बारे में बात हो रही, प्रॉपर हड्डी के बारे में। जो ऑस्टियोक्थीज होती हैं उनका शरीर किस प्रकार का बना होता है, उनका कंकाल किस प्रकार का बना होता है, उनका हड्डियों का बना होता है, और कॉन्ड्रिथीज का काय का बना होता है, इसका बना होता है उपास्थि का या कार्टिलेज का, ठीक है। और टेट्रापोडा में कौन कौन आते हैं, फिर टेट्रापोडा में वही 4 प्रकार के आएंगे, कौन से, एम्फीवियन या उभयचर, रेप्टिलिया या सरीसर्प, या एवीज, एवीज को क्या बोलेंगे, पक्षी वर्ग जितनों पक्षी होते हैं, या स्तनधारी मेमेलिया। तो ये 4 आते हैं टेट्रापोडा में, ठीक है, ये भाग कॉर्डेटा के हैं, कॉर्डेटा का ही डिवीजन है ये, ठीक है। और मेमेलिया में जो है, मेमेलिया में कौन आता है, मेमेलिया में आते हैं हमारे ह्यूमन बीइंग, बंदर, ये बाकी सब जो हैं जो दूध देते हैं जंतु, जिनसे जो अपने नवजात शिशु को पोषण दूध के द्वारा देते हैं, इनमें मेमरी ग्लैंड होती है, वो किन में आते हैं, मेमेलिया में। अब क्लास मेमेलिया को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे डिटेल में, ठीक है। तो इसमें मेमरी ग्लैंड इनका प्रमुख लक्षण है, और एक और इनका प्रमुख लक्षण है वो ये कि इनके शरीर में जीवन की किसी ना किसी अवस्था में हेयर जरूर पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें एक्सटर्नल ईयर होते हैं, पिन्ना प्रेजेंट होते हैं, और टीथ होते हैं इनके डिफरेंट प्रकार के होते हैं, और एक विशेष प्रकार के जॉ में फिट रहते हैं, जो जबड़े होते हैं उनमें फिट रहते हैं ना टीथ हमारे, और जो हमारा श्वसन है वो लंग्स द्वारा होता है, और हमारे सेक्स जो हैं, जो आपके देखा जाए जो सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होती है, ठीक। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मतलब शरीर के अंदर ही होता है। अब ये सब हम अपने लक्षणों की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैमल जो होता है वो ह्यूमन बींग में आता है, तो ह्यूमन बींग के लक्षण के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये बीवीपैरस होते हैं, बीवीपैरस का मतलब क्या है, जंतुओं को जन्म देते हैं, अंडों को नहीं, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद हैं जिसमें अंडे दिए जाते हैं, वो मैमल्स हैं, खैर वो अपवाद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं नीचे जो ओविपैरस हैं, तो एक जंतु है ऑर्निथो राइरिंकस, ऑर्निथोरिंकस, ठीक है, वो उसको प्लेटिपस भी बोलते हैं, तो वो है, वो ओविपैरस मैमल है, मतलब वो अंडे देता है, बाकी जितने हैं लगभग लगभग वो क्या देते हैं, वो देते हैं डायरेक्ट जंतुओं को जन्म देते हैं। अब इनको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए जो इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। और एक चीज और, इनमें हार्ट जो होता है 4 चेम्बर्ड होता है,
दो ऑरिकल होंगे, दो वेंट्रिकल होंगे, दो अलिंद दो निरय। अब चैप्टर 5 पे आ जाते हैं, सबसे पहले हम रूट को डिस्कस करते हैं। अभी रूट को हमने बता ही दिया, रूट का काम क्या होता है, पानी को एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। तो रूट जो है दो प्रकार की होती हैं, एक टैप रूट सिस्टम होता है, एक फाइबरस रूट सिस्टम होता है, ठीक है। और टैप रूट में क्या होता है, एक टैप रूट सिस्टम जो होता है उसमें द्वितीयक और तृतीयक जड़ें होती हैं, ठीक है, मतलब विभिन्न शाखाएं होती हैं। एक मेन रूट होती है, देखिए बताऊं, ये एक मेन रूट गई है ये वाली, और फिर इससे ये द्वितीयक निकली, फिर इससे ये तृतीयक निकली, ये प्राइमरी, ये द्वितीयक, ये फिर तृतीयक निकली। लेकिन फाइबरस रूट सिस्टम में ऐसा नहीं होता, फाइबरस रूट सिस्टम जमीन में अच्छी तरह से पेड़ को एनकोरेज करती है, मतलब अच्छी तरह से चिपकाती है, उतना टेप रूट सिस्टम नहीं चिपका पाती, ठीक है। फाइबरस रूट सिस्टम अच्छा चिपकाती है, ठीक है। तो इनका हिंदी में हम नाम याद रखिएगा, टेप रूट और फाइबरस रूट का। और इसके अलावा जो है आप देखें, एक प्रकार के बनियाइन ट्री जो होता है, बनियाइन ट्री जो होता है बरगद का ट्री, उसमें अपस्थानिक मूल भी निकलती हैं, ठीक है। ये किस लिए निकलती हैं, सपोर्ट के लिए निकलती हैं, लेकिन पेड़ इतना बड़ा हो जाता है ना कि वो गिर ना जाए, तो इसकी जो ब्रांचेस हैं, ऊपरी ब्रांचेस हैं, उस पे से निकल आती हैं और ये फिर जमीन में घुस जाती हैं, उनको सपोर्ट प्रदान करती हैं, इसको बोलते हैं अपस्थानिक मूल। ओके, क्या बोलते हैं, अपस्थानिक मूल, ओके, ठीक है। और रूट का काम जो है वो मैंने बता ही दिया आपको क्या है। अभी ये डिफरेंट रीजन है रूट के, देखिए रूट में जो मैंने बताया, जो जल का अवशोषण होता है वो पूरी रूट की बॉडी से नहीं होता, वो कुछ क्षेत्र होता है, वहां पे मूल लोम पाए जाते हैं। मूल लोम क्या करते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, तो वहीं से वाटर एब्जॉर्ब होकर के ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये विभिन्न क्षेत्र होते हैं रूट के, और रूट भी नीचे की ओर बढ़ती है, ठीक है। और एक चीज और, ये रूट कैप पाई जा रही है, ये रूट को सुरक्षित रखती है, क्योंकि मिट्टी में नीचे की तरफ रूट बढ़ना होता है, और मिट्टी देखिए कितना ज्यादा, मिट्टी में की एकदम कितनी ठोस होती है, तो रूट को कोई छह ना हो, तो यहाँ पे एक रूट कैप होती है, ठीक है, एक रूट को बचाने का काम करती है, ठीक है। और ये मूल रोम होते हैं छोटे छोटे, ये का काम क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन का, वाटर एब्जॉर्प्शन का। और ये दीर्घीकरण क्षेत्र होता है, यहाँ पे ऐसी सेल्स पाई जाती हैं जो डिवाइड होती हैं और रूट को नीचे की ओर बढ़ाती हैं, मतलब जितना प्लांट ऊपर की ओर बढ़ रहा है रूट इतनी नीचे बढ़ती है, ठीक, क्यों, क्योंकि उसको सपोर्ट चाहिए होती है, रूट को नीचे बढ़ना ही बढ़ना होगा, ठीक। अब मॉडिफिकेशन ऑफ रूट को देख लेते हैं, देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, कुछ रूट जो होती हैं भोजन स्टोर कर लेती हैं, भोजन स्टोर किस लिए कर लेती हैं, वो इसलिए कर लेती हैं क्योंकि आपका विशेष परिस्थितियों में उनको चाहिए होता है। अभी कैरेट और जो टर्निप होती हैं, जो शलजम होती है और जो गाजर होती है, वो एक प्रकार का रूट का एग्जाम्पल है। जो गाजर आप खाते हैं वो वास्तव में फल नहीं खा रहे हैं, वो रूट खा रहे हैं आप, जो शलजम खाते हैं वो रूट खा रहे हैं आप, ठीक है, जो शकरकंद खाते हैं वो रूट खा रहे हैं आप, ठीक है। और जो बनियान ट्री होता है उसमें प्रॉप रूट निकल आती हैं अलग से, ठीक है, वो सपोर्ट का काम करती हैं। और स्टिल्ट रूट होती हैं, देखिए कुछ जो होते हैं वहां पे नोट से रूट निकल आती हैं, तो गन्ना होता है वहां पे, ये उसको बोलते हैं स्टिल्ट रूट, ठीक है। और न्यूमेटोफोर्स क्या होती हैं, देखिए न्यूमेटोफोर्स वो होती हैं जो रेस्पायरेशन में मदद तो करती हैं। अभी कोई पेड़ है वो मार्शी लैंड में हुआ हुआ है, अब वहां पे नीचे मार्शी लैंड मतलब जहां पे ये दलदलीय क्षेत्र में, ठीक है, तो दलदलीय क्षेत्र में हुआ हुआ है, अभी आपका वहां पे ऑक्सीजन रूट को कैसे मिलेगी, दलदल में तो ऑक्सीजन होती नहीं, तो ये रूट कुछ होती हैं ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर निकल आती हैं, मतलब दलदल से ऊपर, तो वहां से ये ऑक्सीजन अब्सॉर्ब करके पेड़ को देती हैं, मतलब स्वतंत्र मृदा से ऑक्सीजन नहीं लेती, मतलब स्वतंत्र वातावरण से ऑक्सीजन फिर ये लेती हैं, तो इनको बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स क्यों बोलते हैं, न्यूमा मैंने क्या होता है, हवा, ये हवा में ऊपर की ओर निकल आती है, ठीक है, और न्यूमेटोफोर्स इनको बोलते हैं, ओके। अब स्टेम की बात कर लेते हैं, स्टेम भी जो होता है एक प्रकार का देखा जाए तो बाहरी स्ट्रक्चर होता है, जनरली जो है ये मिट्टी से ऊपर की ओर होता है, और ये क्या काम करता है, इसका काम होता है जो पत्तियां होती हैं उसको बियर करता है, और पत्तियां वापस फिर फोटोसिंथेसिस करती हैं, मतलब ये पेड़ को सपोर्ट देता है जो ऊपरी भाग होता है, बाकी सारे स्ट्रक्चर फल फूल और जो पत्तियां इस पर लगे रहते हैं, ठीक है। इस पर नोड्स होते हैं, इंटर नोड्स होते हैं, ठीक है। नोड्स क्या होता है, नोड्स छोटे छोटे होते हैं जहां से स्ट्रक्चर निकलते हैं, और दो नोड्स के बीच के स्थान को इंटर नोड बोलते हैं, ठीक है। और ये लगातार ऊपर की ओर बढ़ता है क्योंकि उसमें ऊपर टिप पर एक सेल होती है, इसको विभाजोत्तक बोलते हैं, ये ऊपर की ओर बढ़ता रहता है और इसको बढ़ाता रहता है, और ये तरह तरह के जो है एक प्रकार से
वो रूपांतरण भी कर लेता है कुछ, एक प्रकार से जो आलू है एक प्रकार का तना है, वो भोजन स्टोर कर लेता है, कोई तना फोटोसिंथेसिस करने लगता है अपनी पत्तियां गिरा करके, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल हैं। अभी मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रेक्टिंग आउट बियरिंग लीव्स, देखिए ये वही मैंने बताया कि जो आपका बियर करता है लीव्स को, फल को और सबको, ठीक है। अब मॉडिफिकेशन देख लेते हैं इसके। मॉडिफिकेशन जो आपका अंडरग्राउंड स्टेम पोटैटो और जो अदरक है और जो हल्दी है और जो जिमीकंद है और जो घुइयां है वो स्टोर करती है फूड और भी उसको खाते हैं, ठीक है। और कुछ जो है वो टेंड्रिल बना लेते हैं स्टेम, ठीक है, पतले पतले, ठीक है। वो क्या मदद करती है, वो प्लांट को क्लाइम करने में मदद करती है। क्लाइम करने में मतलब किसी के सहारे, किसी पेड़ के, किसी दीवार के सहारे बढ़ने में। और कुछ जो है थॉर्न बना लेते हैं, थॉर्न मतलब कांटे बना लेते हैं, वो किसके, बोगनबिलिया एक नाम का प्लांट होता है और सिट्रस नाम का एक प्लांट होता है, वो थॉर्न बना लेता है। वो अब क्यों थॉर्न बनाता है, मतलब क्यों कांटे बनाता है, जो दूसरे जंतु हैं और जो जानवर हैं उनसे रक्षा करने के लिए, ठीक है, क्योंकि वो उनके पास ना आ पाए इसलिए वो थॉर्न में कन्वर्ट हो जाता है। अब लीफ की बात कर लेते हैं, तो जो लीफ होती है, देखिए लीफ के क्या स्ट्रक्चर होता है, तो इस प्रकार की लीफ होती है, इसमें ये छोटी छोटी जो अंदर ये निकली रहती है इनको बोलते हैं शिराएं, और इस पूरी लीफ के ब्लेड को बोलेंगे लीफ ब्लेड, ठीक है। और फिर ये जिससे कनेक्ट रहेगी उसको बोलेंगे पर्णग्रंथ या पिटियोल, ठीक है, जिससे ये स्टेम से कनेक्ट रहती है, ठीक है। तो इसको, ये लीफ का स्ट्रक्चर होता है। लीफ जो है तरह तरह के रूपांतरण भी करती है, उनको हम आगे देखेंगे। और लीफ का मेन काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस काम होता है, ठीक है। अच्छा, जो लीफ के अंदर जो विन्यास होता है ये शिराएं बोलते हैं। आप कभी लीफ लीजिए तो उसमें ये छोटी छोटी इस प्रकार से ये निकली रहती हैं, इसको शिराएं बोलते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित रहती हैं। एक होता है समांतर शिरा विन्यास, ठीक है, और एक होता है समांतर शिरा विन्यास होता है, अभी देखेंगे आगे, और एक होता है रेटिकुलेट जालिकादार शिरा विन्यास, ठीक है। तो जनरली जो आप देखेंगे मोस्टली आपको दोनों प्रकार के देखने को मिलेंगे, रेटिकुलेट भी मिलेगा और पैरेलल भी मिलेगा। पैरेलल जो है ग्रासेस में पाया जाता है, और रेटिकुलेट देख लीजिए आम का पेड़ होता है उसमें रेटिकुलेट पाया जाता है, जालिकादार पाया जाता है, देख सकते हैं आप। एग्जाम्पल ये बता रहा हूँ, बाकी पाया तो बहुत सब में जाता है, ठीक है। और एक चीज और, कभी कभी जो लेग्यूम के प्लांट होते हैं उसमें जो लीफ बेस होता है, जो लीफ बेस होता है वो कभी कभी फूल के बना लेता है, क्या बना लेता है, लीफ बेस कभी कभी फूल कर बना लेता है पल्बिनस स्ट्रक्चर, एक उसको बोलते हैं पर्मिनस, मतलब फूल जाता है। तो वो क्यों फूल जाता है, इन सम लेग्यूमिनस प्लांट द लीफ बेस में बिकम स्वॉयलन विच इज कॉल्ड पल्बिनस, ठीक है, फूल जाता है। और पीटियोल जो होती है वो क्या मदद करती है, पीटियोल आपका होल्ड द ब्लेड टू लाइट, ठीक है। तो जो ब्लेड को फैलाए रखती है वो, पीटियोल जो होती है, पीटियोल जो होती है ब्लेड को फैलाए रखती है, जो लीफ का ब्लेड होता है, क्योंकि उस पर प्रकाश पड़ता रहे, प्रकाश पड़ेगा तभी तो उसके अंदर जो वर्णक पाया जा रहा है हरित लवक वो प्रकाश को कैप्चर करेगा, समझ गए मेरी बात। तो ये लीफ का जो है स्ट्रक्चर होते हैं कौन कौन से, पीटियोल, लीफ ब्लेड, और ये क्या हो गया यहाँ पे जो शिराएं उसकी जो होती हैं, वेंस जो होती हैं लीफ की, ठीक है। और वेंस वापस व्यवस्थित होती हैं किसमें, रेटिकुलेट और आपके रेटिकुलेट बेनेशन में और पैरेलल बेनेशन में, जालिकादार शिरा विन्यास और समानांतर शिरा विन्यास, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वेनेशन की, जो वेनेशन होता है कौन सा होता है, जालिकादार शिरा विन्यास समानांतर शिरा विन्यास, ठीक है। जालिकादार किस प्रकार होगा, इस प्रकार से, पहले एक बीच में मिडरिब होगी जिसको मुख्य शिरा बोलेंगे, मध्य शिरा बोलेंगे, फिर ये छोटी छोटी ये प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी शिराएं निकलेंगी उधर साइड से। तो इस प्रकार से इसमें विन्यास होता है, बीच में एक मिडरिब होती है, ये जालिकादार शिरा विन्यास का एक करेक्टर होता है। और ये क्या होता है, ये देखिए पैरेलल किस प्रकार होता है, पैरेलल में कोई मध्य शिरा नहीं होती, सारी शिरा एक दूसरे के पैरेलल जो है चलती हैं, तो इसको बोलते हैं समानांतर शिरा विन्यास, ठीक है। और जो लीव्स होती हैं वो भी अलग अलग प्रकार की, तो जो लीव हैं वो दो प्रकार की होती हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल के मतलब सरल और संयुक्त, सरल का मतलब क्या है, जो ये एक लीव है ये इस प्रकार सीधी लगी हुई है, ठीक है, इस पर, ठीक है। अभी कंपाउंड में क्या होता है, संयुक्त में क्या होता है, ये लीव है ये यहां से जैसे इसमें कट लग जाए, ठीक है, ये यहां से कट लग के, ये सिंपल लीव में कट लगकर इस प्रकार कट लग जाए और ये फिर इस प्रकार व्यवस्थित हो जाए,
ठीक है, ये मिड रिब हो इस प्रकार, आप देखते होंगे, ठीक है। तो मतलब कट लग के, इंसीजन लग के ये मिड रिब को टच करने लगे और विभिन्न पार्ट में डिवाइड हो जाए, ठीक है। मिड रिब के चारों तरफ लिप्स लगी हो, ठीक है, इस प्रकार से, तो इसको बोलेंगे कंपाउंड लिप्स, ठीक है। और ये ठीक है, तो ये दो प्रकार से लगी रहती है, एक होती है पिन्नेटली कंपाउंड लिप्स, एक होती है पामेट्री कंपाउंड लिप्स। पाम किसको बोलते हैं, हमारे जो हाथ की जो हथेली होती है उसको। तो अगर ये इस प्रकार से लगी रहे तो इसको बोलेंगे पॉलमेट्री कंपाउंड लिप। और पिन्नेटली कंपाउंड लिप वो ये जो सीधी मिडरिप के तरह से, इस तरह से लगी रहे, ठीक है, तो इसको बोलेंगे पिन्नेटली कंपाउंड लिप्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फिलोटैक्सी की। फिलोटैक्सी मतलब पर्णविन्यास, मतलब ये उस पर किस प्रकार से लगी रहती है, जो शाखा है उस पर ये किस प्रकार से विन्यासित रहती है, ठीक है। अब ये देखिए बताता हूँ, एकांतर क्रम में किस प्रकार, एकांतर क्रम में इस प्रकार से लगी रहती है, ठीक है। और होल्ड हो एक प्रकार होता है, होल्ड प्रकार कैसा होता है, उसमें मतलब चारों तरफ लगी रहेंगी, हो एक होल बनाएंगी, ठीक है, एक चक्राकार बनाएंगी, ठीक है, इस प्रकार से, इसको बोलेंगे होल्ड। समझ रहे मेरी बात। और अपोजिट किस प्रकार होंगी, अपोजिट होंगी इस प्रकार, तो खैर इतना इंपॉर्टेंट ये चीज है नहीं, ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैंने तब भी बता दिया आपको, क्या पता कभी कहां से क्वेश्चन बना लें, कोई भरोसा नहीं है आयोग वालों का, ठीक है। अब मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स देख लेते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव क्या, लीव कभी कभी क्या होता है, देखिए लीव का काम क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण काम करना होता है लीव का, ठीक है, मेनली। लेकिन कभी कभी ये विशेष काम भी करने लगती हैं, कभी कभी ये टेंड्रिल में बन जाती है, कभी स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है, स्पाइन मतलब जो शूल होते हैं उनमें, ये पेड़ों की रक्षा। अब कुछ पत्तियों में क्या होता है, भोजन स्टोर होने लगता है, कुछ में शूल बन जाता है, जैसे मैंने बताया। तो प्याज और लहसुन की जो पत्तियां हैं वो एक प्रकार से भोजन स्टोर करने लगती हैं, ठीक है। और कुछ कीटहारों में क्या होता है, जो इंसेक्टिबोरस प्लांट होते हैं, जो प्रोटीन के लिए कीटों पर डिपेंड करते हैं, उसमें जो एक प्रकार से ये पिच में कन्वर्ट हो जाती हैं, पिचर प्लांट बनाती हैं, घड़े में कन्वर्ट हो जाती हैं, और उसका ढक्कन बन जाता है, मतलब एक घड़े के रूप स्ट्रक्चर बना देती हैं, ठीक है। तो ये पत्तियों के रूपांतरण है। अब फ्लावर की बात कर लेते हैं। फ्लावर आपको बताइए क्या होता है, फ्लावर जो है आपका एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। वहां उसमें आपका एंथर भी होगा, उसमें पिस्टिल होता है, ठीक, और ये अरेंज रहता है स्टेम के ऊपर, ओके। और ये जो आपका जो क्रमानुसार फूल फूल जो पुष्प ग्रंथ होता है, जिसको क्या बोलते हैं, पुष्पासन या थैलेमस या रिसेप्टिकल बोलते हैं उसको, ठीक है। थैलेमस किसको बोलते हैं, जिससे कनेक्ट रहता है, ग्रंथ उसको होता है जिससे ये कनेक्ट रहता है शाखा से, उसको क्या बोलते हैं, थैलेमस, ठीक है। अभी ये कुछ एग्जाम्पल हैं पुष्पों के, और ये उभयलिंगी भी हो सकते हैं, एकलिंगी भी हो सकते हैं, ठीक है, समझ गए मेरी बात। ये पुष्पों के भाग के एग्जाम्पल हैं, पुष्पों के मैं बता रहा हूँ कौन से, कैलिक्स, कोरोला, पोमंग और जायांग। कैलिक्स कोरोला क्या होते हैं, देखिए कैलिक्स होता है जो बाहर आपने देखा होगा एक हरा हरा स्ट्रक्चर होता है, कभी आप गुलाब का फूल तोड़िए, उसमें जो हरा हरा स्ट्रक्चर होगा वो होगा कैलिक्स। फिर उसके अंदर जो उसके कोरोला होगा, जो लाल लाल वाला भाग होगा वो होगा कोरोला, और फिर उसके अंदर एक बीच में होगा वो होगा पिस्टिल, और ये इधर इस साइड में होगा ये होगा एंथर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो फ्लावर है वो डिवाइड रहता है चार भागों में, कौन से, ये चार भाग इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लीजिए, कैलिक्स, कोरोला, पोमंग और जायांग, ठीक है। ये चार भाग होते हैं किसी पुष्प के, और जिसके थ्रू ये ब्रांच से कनेक्ट रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं थैलेमस या पुष्पासन हिंदी में बोलते हैं। और ये उभयलिंगी भी पुष्प हो सकता है, एकलिंगी भी हो सकता है, ठीक है। उभयलिंगी एकलिंगी कैसा, अगर पोमंग और जायांग दोनों एक पुष्प पर हैं तो वो क्या हो गया, उभयलिंगी, और अगर दोनों अलग अलग पुष्पों पर हैं तो वो पुष्प क्या हो गया, एकलिंगी। और ये जाइगोमार्फिक और एक्टिनोमार्फिक होते हैं, देखिए जहां मैंने वो बताया था आपको सिमेट्री के बारे में कि पुष्प दो पर, वो रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री, तो जो जाइगोमॉर्फिक होता है, अगर उसको एक ही उसमें क्या होता है, एक ही प्लेन से पुष्प को काटें तो पुष्प दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, तो उस पुष्प को बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक, ठीक है। और एक्टिनोमॉर्फिक किसे बोलते हैं, अगर विभिन्न विभिन्न भागों से आप काट रहे हैं और पुष्प सेम भाग में डिवाइड हो रहा है तो उसको बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। खैर इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं। अब बात कर लेते हैं फ्रूट की। तो फ्रूट जो होता है वो ओबरी से बनता है, आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो ओबरी होती है वो डेवलप होकर क्या बना लेती है, फल, और फल के और जो बीजांड होता है बीज बना लेता है। तो बीजांड जो होते हैं पहले से ओबरी के अंदर होते हैं, तो
ओबरी उनको कवर करती है बीजांड को, तो ओबरी पूरा क्या बना लेगी, फल, और बीजांड बीज। तभी बीज जो होते हैं किसके अंदर रहेंगे, फल के अंदर रहते हैं, और बीजों को फल से निकाल करके बोया जाता है और नया पादप प्राप्त किया जाता है, पता ही होगा आपको। ठीक है, जो फल होता है उसमें 3 लेयर होती है, कौन कौन सी, एक पेरिकार्प होती है, एक मीजोकार्प होती है, एक एंडोकार्प होती है। ठीक है, ध्यान रखिए, ये देखिए आम का फल दिया हुआ है, इसमें ये आपकी पेरिकार्प हो गई, और फिर मीजोकार्प हो गई, फिर एंडोकार्प हो गई, जो गुठली है वो एंडोकार्प होती है, जो मीजोकार्प जो पल्प हम खाते हैं, ठीक है, जो हम खाते हैं जो पीला पीला, वो मीजोकार्प होता है। ठीक है, और मैंगो और कोकोनट के फूल को पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्रूप, इसको आप ध्यान रखिएगा, मैंगो और फल के उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, मैंगो, क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, इसको ड्रूप बोलते हैं इनके फलों को। ठीक है, ये इसके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए जानना, इसको ड्रूप बोलते हैं। अभी बात कर लेते हैं सीड्स की, तो दो तरह के सीड होते हैं, एक होते हैं एक बीज पत्री और एक होते हैं द्वि बीज पत्री। ठीक है, अभी द्वि बीज पत्री की बात कर लेते हैं, तो द्वि बीज पत्री में ये देखिए दो, एक प्लोम्यूल होता है, एक रेडिकल होता है। प्लोम्यूल का मतलब क्या होता है, प्लोम्यूल से जो होता है, प्लोम्यूल को बोलते हैं आपका प्रांकुर, और रेडिकल को बोलते हैं मूलांकुर। जो प्रांकुर है उससे जो ऊपर के स्ट्रक्चर जो होते हैं, मृदा से ऊपर जो प्लांट के स्ट्रक्चर होते हैं, तना पत्ती वगैरह, ऐसा बनता है, और रेडिकल से जड़ बनती है। ठीक है, और इसमें दो बीज पत्र होते हैं। ठीक, समझ गया मेरी बात, बीज पत्रों का काम क्या होता है, भोजन प्रदान करना, जो बीज होता है। अभी बाकी कुछ इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं, तो जो चीज इंपॉर्टेंट है मैंने बता दी, और कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए जो द्वि बीज पत्री सीड के हैं, जो जिन पेड़ों में द्वि बीज पत्री सीड पाए जाते हैं, ठीक है, उनके एग्जाम्पल। और ये हाइलम देख लीजिए, हाइलम इज ए स्कार ऑन द सीड कॉर्ड थ्रो विच डेवलपिंग सीड वर अटैच टू द फ्रूट। ठीक है, तो ये हाइलम से जो है सीड फ्रूट से अटैच रहता है, इसको ये बस चीज पढ़ लीजिए, बाकी कुछ नहीं इतना इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी मोनोकॉट सीड का पढ़ लेते हैं। मोनोकॉट सीड में एक बीज पत्री पाया जाता है। ठीक है, इसमें भी रेडिकल और प्लोम्यूल होता है, लेकिन इसमें दो अलग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये प्लोम्यूल और रेडिकल जो होता है, इसका प्रांकुर और मूलांकुर जो होता है वो कवर रहता है, जो प्रांकुर होता है वो कवर रहता है कोलियोप्टाइल से, और जो मूलांकुर है वो कवर रहता है कोलियोराइजा से, या कोलियोप्टाइल को इंग्लिश में बोलते हैं प्लांकुर चोल, वो हिंदी में बोलते हैं प्लांकुर चोल, और कोलियोराइजा को हिंदी में बोलते हैं मूलांकुर चोल। ठीक है, और एक चीज और, इसमें एक एल्यूरॉन सतह होती है, एल्यूरॉन सतह होती है उसको, वो प्रोटीनश होती है वो नेचर में। ठीक है, समझ गए मेरी बात, जो भ्रूण पोष होता है, भ्रूण पोष जो क्या बोलते हैं, उसमें वो एल्यूरेन सतह होती है, वो क्या काम करती है आपका, प्रोटीन लेयर होती है। ठीक है, अच्छा, भ्रूण पोष किससे बन रहा था, भ्रूण पोष बन रहा था वही जो मैंने बताया था आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था, तो उससे जो त्रिकेंद्रक यहां पे बन रहा था, त्रिकेंद्रक से फिर क्या बन रहा था, डिवाइड हो गए, भ्रूण पोष। ठीक है, आपने कभी वो देखा है नारियल, नारियल में जो पानी होता है वो क्या होता है एक्चुअली, वो भ्रूण पोष का एग्जाम्पल है। ठीक है, कभी आ जाए क्वेश्चन कि जो नारियल का पानी है वो क्या है एक्चुअली, वो भ्रूण पोष है। अभी भ्रूण पोष ये बना कैसे, जो हमारा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ था, जो उसमें एक त्रिक समेकन द्विनिषेचन हुआ था, मतलब एक नर युग्मक किससे मिला था, जो दो केंद्रक हैं बीच वाले उनसे। ठीक है, दो केंद्रक से, तो उसने ये त्रिगुणित एक कोशिका बना ली थी, फिर त्रिगुणित कोशिका से क्या बन गया, ट्रिप्लॉइड कोशिका इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें तीन चीजें मिली आपस में आके। ठीक है, और एक नरियोगमक और दो केंद्रक। ठीक है, और फिर उसने क्या बना, फिर उससे डिवाइड होकर भ्रूण पोष बन गया, और इससे क्या बन गया, जो यहाँ पे एक नरियोगमक मादा अंडे से मिला था उससे फिर जायगोट बन गया। ठीक है, तो ये उसी भ्रूण पोष की बात हो रही है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, पोरीफेरा है द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये गलत है, पोरीफेरा में टिश्यू लेवल नहीं, सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसको काटिए। कॉर्डेट में ठोस तंत्रिका तंत्र होता है, ना ना, हॉलो होता है, मैंने बताया था डोर्सल और हॉलो। ठीक है, डोर्सल हॉलो मतलब अग्र भाग में पाया जाता है, और ये खोखला होता है, तो ये इनकरेक्ट इसमें पूछा है, तो पहले तो यहाँ पे गोला करा कर ये पूछा गया है, तो इनकरेक्ट पूछा है, तो दोनों ही इनकरेक्ट है, उसी वाला करेक्ट हो गया इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जड़ों की पूरी सतह पानी को अवशोषित करती है, बताइए पूरी करती है कि कुछ भाग करता है, कुछ भाग करता है, जहां पे मूल लोम पाए जाते हैं, मूल लोम को इंग्लिश में बोलते हैं रूट हेयर्स। ओके, रूट हेयर्स एक कोशीय होते हैं और मृदा में फंसे रहते हैं, और मृदा में जो जल उपस्थित होता है उसको लेते हैं और पेड़ों में ऊपर पहुंचाते हैं, तो जड़ों की पूरी सतह पानी को अवशोषित करती है, गलत हो गया।
आर्थोपोडा में परसंचरण तंत्र बंद प्रकार की होती है ना, बंद प्रकार का होता है ना, बंद प्रकार नहीं होता, और खुला प्रकार का होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें रक्त जो है वाहिकाओं में नहीं बहता है, आर्टरीज और वेन्स में नहीं बहता, धमनी और शिराओं में नहीं बहता। ऐसे ही जो शरीर के सारे ऑर्गन हैं उसमें कोशिकाएं हैं, ऊतक हैं, वो उसमें डूबे रहते हैं रक्त में, तो वो खुला प्रकार का होता है। तो ये भी गलत हो गया। अब इसमें करेक्ट पूछा है तो यहाँ पर गोला करिए पहले, तो करेक्ट इनमें कोई नहीं, तो डी वाला सही हो गया। ठीक है, तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे संग बने रहने के लिए। और ये हमारी बायोलॉजी क्लास 11th की भी खत्म हो गई है। इनके क्वेश्चंस आप करिए, और जो पूरा 6th से लेकर 10th तक के प्रॉपर वीडियोस देखिए, सारे चैप्टर देखिए, वहां से आपका बेस क्लियर हो जाएगा और सारे क्वेश्चन होने लगेंगे जनरल साइंस के। ठीक है, और आपको कोई भी अगर समस्या है, कोई आपका प्रश्न है, तो मुझसे इस ईमेल पे ईमेल करके आप पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्दी आपका रिप्लाई कर दूं। और दूसरी चीज क्या कि सीरीज को आप प्रॉपरली फॉलो करें A to Z, और अपना जो कोई फीडबैक है मुझे भी आप ईमेल करके इस ईमेल पे दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे संग बने रहने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बाकी अगली वीडियो लेकर जल्दी हाजिर होंगे, और पढ़ते रहें और एग्जाम को क्लियर करते रहें, लगे रहें। अगर लगे रहेंगे तो अभी समय आएगा, तो एग्जाम को क्लियर करेंगे। ठीक है ना, तो रेगुलर पढ़ते रहें, अच्छे कायदे से अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। हैव ए नाइस।